नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मौली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, पूरा समय, 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है? कहाँ दिया जाता है? वो रक्षा सूत्र को कहाँ डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहाँ बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको हिंदू धर्म में? रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं, और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहां बंधती है, जहां पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं, जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है? और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे, क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदिक में, जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बांधने के बाद 8-15 दिन, महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में अपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं, उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो समान, फिर वो आपके लिए, फिर वो समान। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये संभाल लेते, ये संभाल।